भाजप सामे लड़वाना इंडिया गठबंधन ने जे समाजवादी पार्टी ना सुमरिप्यो अखिलेश यादवे झाटको आप्यो छे। अखिलेश यादवे कांग्रेस ने ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरी नी मांगणी पर निशान साध्यु छे। तेमणे कह्युं छे के कांग्रेसे पोतानी सरकारना कार्यकाल में तो ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरी करावी नहोती अने हवे पोते ते आवी मांगणी करे छे। समाजवादी पार्टीना सुप्रीमो अखिलेश यादवे ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरी पर कांग्रेसना वलण सामे सवाल उठाव्यो। तेमणे कह्युं के वोट बैंक खतम थवाना डरथी कांग्रेस बदलाई गई छे। राहुल गांधी अने कांग्रेसना अन्य नेताओ पोताना भाषणोमां देशव्यापी ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरीनी मांग करी रह्या छे। कांग्रेस आ मामले समग्र क्रेडिट न लई जाय तेनाथी सतर्क समाजवादी पार्टी पण नवो दाव खेली नाख्यो छे। कदाच एज कारण छे के राहुल गांधी जयारे ज्ञाति आधारित वस्ती गणतरीने समाजनो एक्सरे गणाव्यो तो अखिलेश यादवे एमआरआईनी वात करी। अखिलेश कांग्रेस ने अगाउनी सरकारों पर सवाल उठाया कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश 140 करोड़ आबादी का देश और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की, तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। अखिलेश यादव ना निवेदन में इंडिया गठबंधन ना घटक दलों वच्चे नी खाई स्पष्ट दिखाई रही है। अखिलेश कांग्रेस की मांगणीओ सामे निशान ताकी दीधुं। अखिलेश स्पष्ट कही दीधुं कि इंडिया गठबंधन अंगे आगळना समय में जोवाशे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली। इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। भाजपा मुकाबलो करवा माटे बनेला इंडिया गठबंधन में बैठक वेंचनी पर हजू सुधी कोई पहल थई नथी, परंतु नेताओं ना निवेदन थी पार्टियों वच्चे अंतर जरूर वधी रह्यु छे। जातिगत जनगणना की मांग देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से समय समय पर होता रहा है, लेकिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब इसको अमली जामा पहनाया और उसके आधार पर कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित किए तो स्वाभाविक रूप से यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने भी इस पर चर्चा की, संसद के अंदर चर्चा हुआ। अब स्वाभाविक है जब नहीं हुआ तो आज इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता आप सब महसूस कर रहे हैं। मैं काश संसद में दो ही बात कहना चाहूंगा। नीतीश कुमार सोचते ही तो हमारा एजेंडा था, राहुल गांधी कहां से ले लिए? अखिलेश यादव कहते हैं तो हमारा एजेंडा है, आप कहां से क्या गए? और राहुल गांधी का तो एजेंडा है कि कोई चीट पकड़ा देगा, अभी पकड़ा देंगे तो बोलना शुरू कर देते हैं। हर दो महीने में उनका एजेंडा बदलता रहता है। तो राहुल गांधी देश की जातिगत व्यवस्था को कितना समझते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात करूंगा, जातीय जनगणना होगी तो कांग्रेसियों की भी होगी। तो राहुल गांधी जी, आपकी सत्ता चलेगी परिवार के कारण कि आपके यहां भी हिस्सेदारी मिलेगी।